अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो चने की दाल की कबूली की रेसिपी है। बहुत इजी है भी बनाना, बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी बन जाती है। मैं बताती हूँ, मैंने इसके लिए आधे किलो चावल लिए, इनको मैंने आधे घंटे पहले धो के भिगो दिया था। इसके अलावा मैंने चने की दाल ली है, ये मैंने एक बॉल ली है, इसको भी मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया है ताकि ये गल जाए तो हमें इसमें गलाने में टाइम नहीं लगेगा। टमाटर है, ये मैंने दो अदद लिए हैं, इनको मैंने स्लाइस की सूरत में काट लिया है। हरी मिर्चें 5 से 6 जाएंगी। गरम मसाले में मैंने तेज़पत्ते लिए हैं 2, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े, 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा, 4-5 काली मिर्चें, इसी तरह 4-5 लौंगे हैं और 2 बड़ी इलायची है। नमक जो है 1.5 टेबल स्पून जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये 2 टीस्पून है। और प्याज मैंने 1 छोटी ली है, इसको मैंने पतले पतले स्लाइसेस की सूरत में काट लिया है, प्याज बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने देखी में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं इसमें तमाम गर्म मसाले शामिल कर रही हूँ। इनको हम हल्का सा कड़कड़ाएंगे, इनकी हल्की सी खुशबू आएगी, तो बस हम साथ ही इसमें प्याज भी डाल देंगे। अच्छा, तेल जो है ना, मैंने इसमें आधी प्याज ही लिया है, तो चावलों में हमेशा जो है ना तेल थोड़ा ज़्यादा ही आप रखा करें, क्योंकि इससे हमारे चावल बहुत अच्छे क्ले क्ले बनते हैं। ये मैं प्याज भी अभी ही शिफ्ट कर रही हूँ इसमें, और ये साथ ही बिल्कुल लाइट सा गोल्डन हमने प्याज का करना है, ताकि जीरे के साथ साथ हमारी प्याज भी लाइट से गोल्डन हो जाए। इसे डार्क कलर हमने नहीं लाना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये बहुत खास चिप्स होती है, वरना हमारे चावलों का कलर जो है वो डार्क की तरफ चला जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छी वाइट क्ले क्ले से बहुत अच्छी लगती है चने की दाल की कबूली। तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। फिर इसमें देखिए मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ, और साथ ही जो है इसमें जो मैंने हरी मिर्ची दी थी, इसमें से 4 हरी मिर्ची मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ इसमें कट करके, ताकि इसमें ये हरी मिर्चों का जो है चावलों टमाटर के साथ बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। बाकी 2-3 हरी मिर्चें जो है वो हम इसमें बाद में डालेंगे जब हम दम लगाएंगे चावलों को। ये मैं नमक इसमें डाल रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, चावल क्योंकि ज़्यादा नमक लेते हैं पकने में, तो मैंने इसमें इसलिए 1.5 टेबल स्पून डाला है। आप अपनी मर्ज़ी से ले लीजिएगा, कम पसंद करते हैं तो कम ले लीजिएगा, अगर थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून पानी डाल दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूँगी 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं हमें टमाटरों को रखे हुए, देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने करना इसमें यह है कि इनको अच्छे तरीके से इसमें इसको प्रेस कर लेंगे ताकि टमाटर टूट से जाए अच्छे से। फिर इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। अच्छा, इसमें लाल पीसी मिर्चें नहीं जाएंगी, ना ही काली मिर्चें जाएंगी, बस हरी मिर्च और टमाटर का ही इसमें जायका आता है, उसी से ही मज़ेदार बनता है। अब मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। अच्छा, दाल डालने के बाद जो है हम इसमें पानी डाल देंगे। दाल हमारी गली गई है, बस इसमें एक बॉयल आएगा तो उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। तो बस हम इसमें एक बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद हम इसमें चावल डाल देंगे। तो ये देखिए हमने दाल जो डाली थी तो अब इसमें बॉयल आ गया है। अब हम इसमें अपने चावल शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने आधे पौन घंटे पहले भिगो दिया था, ये देखिए कितने अच्छे हो गए ये फूल के। तो अब इसमें जो है बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं लगेगा पकने में, इसलिए मैंने पानी बहुत ज़्यादा चावलों के लिए नहीं इसमें शामिल किया है। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया मज़ीद, मैंने चेक किया था तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा था। आप भी अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। बस हम इसको इतनी देर पकाएंगे कि चावलों में थोड़ा सा पानी रह जाए, जो हमारे चावलों को दम लगाने के लिए काफ़ी हो। तो ये देखिए हमारे चावलों में, मैं आपको दिखा देती हूँ, इतना पानी रह गया है बिल्कुल ज़रा सा, इसमें हमारे चावल बेहतरीन दम में आ जाएंगे। देखें कितने खिले से हो रहे हैं। अब हम इसको इसमें मैंने 3 से 4 जो हरी मिर्चें बचा के रखी थी वो लास्ट में शामिल कर दूँगी। अच्छा, इसमें मैं ऊपर से पिसा हुआ गर्म मसाला भी नहीं शामिल करूँगी, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा जो है साबुत गर्म मसाला शामिल कर दिया था, ताकि हमारी कबूली का कलर ख़राब नहीं हो और इसका वाइट वाइट खिला खिला से कलर आए। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ, हम 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं जब इसको दम लग जाएगा। तो ये देखिए हमारी जो है कबूली चने की दाल की कितनी अच्छी तैयार हो गई है, बेहतरीन। देखें कितने अच्छे बिल्कुल अलग अलग सारे चावल हैं। अब मैं आपको इसको डिश में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत लाइट सी होती है कबूली भी, खाने में बहुत हल्की फुल्की होती है। तो ये भी लाजमी बनाएं और खाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और लाइक का बटन भी लाजमी प्रेस करें। तो ये देखिए बेहतरीन किस्म की हमारी गर्मा गर्म जो है कबूली तैयार है, आप भी बनाएं और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।